दोस्तों, सो यूएसए का प्रोसेस बहुत इजी क्यों है? क्योंकि अगर असि इनू कंपेयर बाकी कंट्रीज ना करते हैं तो बाकी कंट्रीज का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, क्योंकि ये स्टेप्स बहुत थोड़े हैं। सब तो पहले सिर्फ तुम्हें अपना ऑफर लैटर अप्लाई करना, उसके विच कोई इंटरव्यू नहीं आती, क्योंकि अगर आप यूके नू कंपेयर करिए उत्थे इंटरव्यू आती है। सो I-20 तुहाडे डॉक्यूमेंट्स भेजना, एक्सेप्टेंस आन तो बाद हफ्ते 10 दिन बाद तुहाडी I-20 रिसीव हो जाती है। सो उस तो बाद जो तुहाडा इनटेक हैगा उस तो पहले तुहानू अंबेसी स्लॉट अपना पिक करना हुंदा वा। सिर्फ तुहानू, क्योंकि फंडिंग भी पुरानी नहीं करनी, सिर्फ तो सिर्फ डिपेंड करती है गेम स्लॉट्स पर। अगर तुहानू ईजली स्लॉट्स मिल जाते हैं तो ऑन स्पॉट तुहाडा डिसीजन आ। अगर उन्हें तुहानू वीज़ा देना वा तो तुहानू उन्हें तुहाडा पासपोर्ट रख लेना, नहीं तो तुहानू सॉरी कह देना वा। क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप बाकी कंट्रीज नाल कंपेयर करिए, पहले तो फाइल मेकिंग बहुत लेंथी आ, दैन उस तो बाद अंबेसी बहुत टाइम लेंदी है। इतने स्लॉट मिल गया तो तुहाडा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हैगा वा। सो मोर डिटेल लई कॉल कर सकते हो तो वीज़ा ऑफिस 9410 9410 ते। अगर हुण तुसीं यूएसए दा इनटेक अप्लाई करना चाहते हैं तो तुहाडे लिए जनवरी इनटेक टोटली ओपन है, क्योंकि सपटेंबर इनटेक लई बहुत लिमिटेड सीट्स हैगियां वा। एंड मोर ओवर आप हुण जुलाई दे विच हैगे आ, सो हद हफ्ते तक अगर तुसीं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नाल अप्लाई करते हैं फिर तुहानूं सपटेंबर की कोई ऑप्शन मिल सकती है। बट बैटर, मेरी गाइडलाइन यही है कि तुसी जनवरी इनटेक करो, क्योंकि तुहानू तां ही स्लॉट्स मिलेंगे। कॉल कर सकते हो द वीज़ा ऑफिस 9410 9410 ते। सत श्री अकाल।